हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रीतू। सो बहुत दिन से मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी एंड फाइनली आज आ चुका है एक वीडियो। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं एक जायंट गेम बुक। एंड उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे पेजेस, वैसे मैंने काउंट नहीं किया है, बस बता रही हूँ पेजेस चाहिए। तो अभी सबसे पहले एक हम पेज लेंगे वाइट A4 साइज पेज, उसको मैं जैसे दिखा रही हूँ उस तरह फोल्ड करना है। अगर आप मतलब आपके पास एकदम स्क्वायर टाइप का शेप होगा, पेपर होगा तो भी चलेगा, पर मेरे पास वैसा नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे शेप में करके उसको बिल्कुल ऐसे मैं इसे कट कर ले रही हूँ। मतलब स्क्वायर शेप आना चाहिए इसलिए, तो ये हम ऐसे कट कर लेंगे इसे। तो हम ऐसे कट कर लेते हैं इसे। तो यस, हमने इसे कट कर लिया है। एक्चुअली सॉरी, पर थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो गया था। ओके, सो ये हमारा स्क्वायर शेप रेडी है। जस्ट क्या है, बीच में थोड़ा सा लाइन आ रहा है। अगर आप कोई भी कलरफुल क्राफ्ट पेपर यूज़ करते हैं तो भी चल जाएगा। तो ये रहा हमारा स्क्वायर पेपर रेडी। अभी हम स्केल एंड पेंसिल के मदद से लूडो, हम फर्स्ट गेम जो है वो लूडो बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ 7 सेंटीमीटर्स में यहाँ से मार्क कर रही हूँ और 7 सेंटीमीटर्स वहाँ से, ठीक है। एंड नीचे के पार्ट से भी सेम ही करना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, सो 7 सेंटीमीटर कंप्लीटेड। एंड देन यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग्स कर रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए। ओके, देन इसके बाद हम इसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते जाएंगे, वो पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। सो ये हमने बना ली फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। उसके मिडल से भी हमें लाइन बनानी है, तो पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कितना कितना सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। तो देख लेते हैं कितना कितना सेंटीमीटर का गैप चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मीन्स देखते हैं कि कहाँ पे एकदम प्रॉपर आएगा। तो ये 2.2 में थोड़ा सा प्रॉपर आ रहा था, तो 2.2 में लेते हैं। ये 2.2 में प्रॉपर आ चुका है। अभी वहाँ से एक लाइन ले लेंगे बड़ी वाली। तो ये लाइन बन गई, बस लास्ट में थोड़ा सा छोटा हो गया, तो वो हम बाद में हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में एक लाइन बना लेंगे, वैसे ही सेम पैटर्न। ओके, सो हम वैसा ही इस साइड में भी करेंगे। तो यहाँ से कुछ सेंटीमीटर्स का गैप चुनेंगे, यहाँ पे भी सेम 7 ही लेंगे। सो 7 एंड यर ऑल्सो 7। तो ठीक है, इन मार्किंग्स हो गए। ये भी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक लाइन एंड एक लाइन, एक लाइन एंड एक लाइन होगी। उसके बाद हम मिडल से भी एक लाइन बनाएंगे सेम वैसे ही। सबसे पहले हम यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमने छोटे छोटे लाइंस बनाए थे वैसे ही बना लेंगे। सो वैसे ही सेम सेंटीमीटर का मेजर ले लेंगे जैसे वहाँ पे लिया था। तो ये फर्स्ट लाइन होगी एंड देन ये सेकंड लाइन। ओके, तो ये हमारी ये बोथ साइड की लाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो प्लेयर्स वाला खेलने का जो ये होता है अलग अलग कलर्स का, तो वो बना लेंगे। तो ये सब मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा, बन गया 4 बॉक्सेस और उसके अंदर भी छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। तो ये बन गए। उसके बाद ये बीच में की लाइंस को जो इरेज कर लेंगे एंड उसके बाद हम एक एक्स शेप वाला मीन्स एक्स लेटर बनाएंगे वहाँ पे। और ये सारा कलर भी करके मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा दिखाते तो मीन्स टाइम वेस्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो हमारे लूडो रेडी हो गया। अभी हमें सर्कल्स काटने लूडो के प्लेयर्स की खेलने के लिए, मीन्स जैसे कि हम वो तो नहीं बना सकते, वो प्लास्टिक चाहिए होगा उसके लिए। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेजेस को सर्कल शेप में काट लिया और एक एक प्लेयर को 4 लगता है। तो फिर हर एक कलर के 4-4 बना लेंगे, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज एंड येलो। तो ये सब बना लिए। अभी हम बनाएंगे डाइस। तो यहाँ पे मैं थर्मोकॉल का यूज़ कर रही हूँ, उसको एक डाइस के पीस में स्क्वायर शेप में थोड़ा काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्केलिंग करना पड़ेगा मुझे, मार्किंग एंड ऑल, एंड कटर से अच्छी तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। एंड सिर्फ थर्मोकॉल से ही नहीं करना पड़ेगा, उसे बाद में हमें कवर भी करना है।
तो हम कवर करेंगे छोटे से मीन्स थोड़ा सा थिन कार्डबोर्ड का पीस जो मेरे पास था, जो उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनी हुई है, पिंक कलर का है वो। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्मोकॉल का डाइस, तो ये रहा वो पेपर, इससे हम इसे कवर करेंगे। सब मार्किंग्स एंड ऑल करना पड़ेगा पहले हमें, तो पहले यहाँ पे मार्किंग कर रही थी मैं, फिर बाद में लगा कि ये पूरा नहीं आ पाएगा वहाँ पे। ये देखिए, और बाकी के साइड्स आ रहे हैं पर मीन्स एक साइड नहीं आ रही है, तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी जगह है मतलब, तो यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। तो हमें टोटल 5 करने हैं, यहाँ पे 4 ही हो पा रहे थे तो हम 4 ही करेंगे पहले। फिफ्थ वन जो है वो हम एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड इसमें से बचा होगा तो उसका पीस कट करके हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसे भी कट कर लेते हैं, जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा तो इजी हो जाएगा। वैसे अगर आप जो वो डाइस है वो आप स्पॉन्ज का बनाते हो तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। अगर स्पॉन्ज अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे थर्मोकॉल का यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली बिना थर्मोकॉल के आप ऐसे ही कार्डबोर्ड का भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं वही बना रही हूँ, बस उसे उसके अंदर थर्मोकॉल डाल रही हूँ, बस इतना ही है। तो ये देखिए थर्मोकॉल, तो इसे थोड़ा सा बैंड वगैरह करके, ये ग्लू स्टिक मैंने यूज़ किया था पर कुछ मीन्स वर्क ही नहीं कर रहा था तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। एंड देन अभी नेक्स्ट मैं एक ग्लू की बॉटल ले लूँगी। ये देखो नहीं हो रहा, मैं वीडियो में नहीं दिखाया पर मैंने वो ग्लू से उसे स्टिक कर लिया था। तो ये हमारा डाइस रेडी, उसके ऊपर मैंने नंबर्स भी स्टिक कर लिए और ये हमारे डाइस एंड वो भी। तो ये आ चुका है हमारा लूडो, पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए डाइस है, लूडो है, उसके खेलने के भी जो टोकन्स है वो भी रेडी है। तो ये सारे रेडी हो चुके, हमारा फर्स्ट गेम जो है वो रेडी हो गया। अभी सेकेंड गेम के लिए हमें एक A4 साइज़ की पेपर शीट लेनी है, सेम जैसे हमने पहले गेम में यूज़ की थी। ओके, तो अभी उसे सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले पेज के साथ किया था, उसे स्क्वायर शेप में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेज बचा था उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमें स्क्वायर पेपर रेडी है। ओके, सो अभी हम एक पेन लेंगे एंड उसके बाद उससे हम स्केल से लाइंस बनाएंगे। पहले हम मार्किंग्स करेंगे कि कितना कितना सेंटीमीटर लीव करना है। ठीक है, उतना उतना मार्किंग्स करेंगे। ओके, सो तीनों साइड में हमने मार्किंग्स कर लिया है। अभी हम एक लाइंस बनाएंगे, 3 लाइंस बनानी है, वैसे 2 लाइंस बनानी है पर 2 लाइंस बनाने के बाद 3 कॉलम्स बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ से भी अभी हम एक लाइंस बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वैसे बाय द वे ये गेम है एक्सो, इसे आप टिक टैक टो भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बस इतना ही करना है, मीन्स इसके ये मीन्स जहाँ पे हम खेलते हैं पेपर पे उसके लिए उतना ही करना है। उसके बाद हम एक्स एन ओ स्टिकी नोट ले रही हूँ मैं यहाँ पे, उसके ऊपर हम एक्स एन ओ कट करेंगे। ठीक है, तो एक कटर से हम करने वाले हैं इसे कट, पहले जो वो स्टिकी स्टिकी पार्ट है उसे हम हटा देंगे। तो अभी हम सोच रहे थे कि पेंसिल से करूँ या ऐसे ही करूँ, पर बाद में सोचा कि पेंसिल से कर लेते हैं एक। तो ये रहा, पेंसिल से पहले मार्किंग कर ली बस, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ठीक है, तो मार्किंग हो चुकी है तो कटर से कर लिया। वैसे मैंने पूरी एक लाइन खींच ली तो ये ज़रा मिस्टेक हो गया था मेरे से, पर तो भी मैं सोच रही हूँ कि मतलब देखते हैं ट्राई करके, होता है नहीं अच्छा एक बनता है नहीं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, सो देखते हैं कैसा आता है। इधर निकल नहीं रहा था तो फिर से एक बार कट लगा दिया उस पर, बाकी पे भी। तो ये एक्स निकाला मैंने, फिर भी नहीं निकल रहा था तो फिर से एक बार कट लगा लिया उस पर।
तो बाकी के रेडी करेंगे हम। एक्चुअली वो बिगड़ गया था तो मैंने बाकी के तैयार कर ली वैसे ही है। तो एक्शन हुआ हमारे रेडी है। ये देखो वो बनाना बहुत सिंपल है। पहले एक सर्कल से कट करो, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना के कट लगा दो बीच में से सर्कल का। ये देखिए हमारा एक्शन हुआ रेडी। एक्चुअली तो अभी हम थर्ड गेम बना रहे हैं। वैसे ये सॉरी ज़रा फ़ोन का रोटेशन थोड़ा सा गलत हो गया। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं गया वीडियो बनाते वक्त, वरना मैं तभी सही कर लेती। पर सॉरी, जैसे हम थर्ड गेम बना रहे हैं वर्ड सर्च, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मिनी स्टिक नोट यूज़ कर रही हूँ। उसे मैंने पूरा स्टिक कर लिया, ये थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है उसे मैंने स्टिक कर लिया है। ओके सो मैं इसे ट्राई कर रही थी ये ग्लू। सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। ओके सो यहाँ पे मैंने इसे स्टिक कर लिया, बाकी के लेटर्स लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लेटर्स हमें फाइंड आउट करने, जैसे कि बास्केटबॉल मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो अभी हम बनाएंगे फोर्थ गेम। उसके लिए सेम वही पेज लेना है, मतलब वैसा ही पेज लेना है। उसे मैं बिना मार्किंग के कट कर रही हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर है तो मैंने थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे कर लेना है। उसके बाद इस गेम का नाम है रोल द डाइस, ठीक है। वैसे गेम में एक डाइस होता है, वो डाइस को ऐसे घुमाना है, जो नंबर आएगा और वहाँ पे जो इस पेपर पे नंबर, वो जो नंबर आएगा उसके आगे टास्क लिखा होगा। जैसे कि रोल के आपने डाइस और वन आया, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसके आगे टास्क लिखा होगा। जैसे कि वन के आगे मैंने लिखा रन इन प्लेस, वैसे हम आगे के सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे डाइस के ऊपर नंबर्स लिखेंगे और उसके आगे उसका टास्क लिखेंगे। तो हमें डाइस को सिर्फ रोल करना होगा, जो नंबर आएगा वो टास्क हमें करना होगा। तो यहाँ पे मैं सारे डाइस बना लेती हूँ। ये 3, सेकेंड वाला है टच योर टूज, एंड 3 वाला है फ्रॉग जंप। देखते हैं 4 वाला क्या रखें। सो 4 वाला हम रखते हैं आर्म सर्कल, एंड देन 5th वाला रखेंगे। सो यहाँ पे 5 डॉट्स बना लेंगे। 5 डॉट्स हमने बना लिए, एंड 5th वाला हम रखेंगे जंपिंग जैक्स। अभी हम बनाएंगे 6th वाला। सो यहाँ पे हम 6 डॉट्स बनाएंगे 1 2 3 ऐसे वर्टिकल में, जैसे डाइस पे होता है वैसे ही। एंड उसके आगे हम लिखेंगे डू 5 सिटअप। वैसे तो ये 2-5 सिटअप बड़ा सिंपल है। तो ये देखिए सारे डाइस के आगे उसके टास्क लिखे हो गया, एंड ये गेम भी हमारा हो गया है। देखो पूरा लिख लिया हमने। अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट गेम। उसके लिए यहाँ पे मैंने मिनी स्टिकी नोट का यूज़ किया है, उसके ऊपर ग्लू लगा दूँगी। वैसे आप क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, एंड वापस स्टिक कर देना है पेज पे, वाइट पेज। एंड उसके ऊपर लिखेंगे लेट्स सी हु आर यू। सो ये गेम है लेट्स सी हु आर यू। तो यहाँ पे अब मैं बड़े स्टिकी नोट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसमें स्टिकी नोट्स ही यूज़ करना है आपको, क्राफ्ट पेपर नहीं, और पूरा नहीं स्टिक करना है, स्टिकी नोट जैसे होता है वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं 4 स्टिकी नोट्स का यूज़ कर रही हूँ। एक एक करके हम स्टिक कर लेंगे वहाँ पर पेज पर। तो ये हम कर लेते हैं स्टिक ऑल दी 4। सो यहाँ पे हमने 4 के 4 स्टिक कर लिए हैं, एंड यहाँ लिखेंगे नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लिखेंगे, बड़े बड़े नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। एंड देन ये सारे नंबर्स लिख लिए, फिर एक चीट निकाल के उसके पीछे, एक्चुअली गलती से मैंने पेन से लिख लिया था तो वहाँ पे दिख रहा था, मीन्स कैमरे में तो नहीं दिख रहा है कि पीछे लिखा हुआ है, पर बाद में दिख रहा था तो बाकी के मैंने पेंसिल से लिख लिया। फिर देखिए अब मैं 1st वाला करेक्ट कर लूँगी, यहाँ पे दिख रहा था इसलिए उसे निकाल के फेंक देती हूँ, एंड फिर दूसरा चिकन ऑर्डर ले लेती हूँ। उसके ऊपर 1
नंबर लिखूंगी एंड देन उसके पीछे पेंसिल से लिखूंगी। आप भी पेंसिल से ही लिखना ताकि वो पीछे दिखे, मीन्स आगे से दिखे ना कि क्या लिखा है। इसलिए तो हमने फर्स्ट चीट पे लिखा यू आर ए फूल, सेकंड चीट पे लिखा यू आर ए सुपरस्टार एंड थर्ड चीट पे देखते हैं क्या लिखना है। तो थर्ड चीट पे लिखना है यू आर ए डोंकी। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी फोर्थ चीट की चांस आई है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ए लीजेंड। तो दो चीट्स में जो है अच्छे नाम है, दो चीट्स में बुरे नाम है। बुरे मतलब लाइक फनी टाइप, यू आर ए फूल एंड ऑल। ओके, तो ऐसे आप चॉइस कर सकते हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। तो ये भी हमारी गेम हो जाएगी रेडी। अभी जो एक्स्ट्रा पेज बताया मैं उसे कट कर लूँगी, क्योंकि ताकि वो जो हम डायरी बनाएंगे जिसमें सारे गेम्स लगाएंगे वहाँ पे वो फिट आ सके। तो ये गेम हमारा रेडी है। तो गाइस अभी हम बनाएंगे सिक्स्थ गेम, तो वो गेम होगा मेमोरी मैच गेम। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दे दिया है, या फिर आप एक स्टिकी नोट, जो मैंने मिनी स्टिकी नोट बताया था उसको भी लिख सकते हो, पर वो छोटा था और वो जो नेम था वो बड़ा था इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। अब इसमें आप क्राफ्ट पेपर का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास छोटा क्राफ्ट पेपर नहीं था तो मैंने स्टिकी नोट्स का स्टिकी पार्ट जो है वो कट कर लिया। एंड फिर से मैं पेंसिल लिखने जा रही थी पर बाद में याद आया पेंसिल से लिखना, तो पेंसिल से मैंने कुछ ऐसा सर्कल बना लिया। तो भी पीछे से थोड़ा सा दिख रहा था कि सर्कल है, तो मैंने डबल स्टिकी नोट उसके ऊपर स्टिक कर दिया। ये देखो ऐसे डबल रख के सेम वो स्क्वायर पीस में उसे कट कर लिया ताकि वह दिखे ना। आपका अगर मोटा सा क्राफ्ट पेपर होगा तो एक बार में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ग्लू लगा देती हूँ। ओके, तो ये ग्लू लगा दिया फोर साइड्स पे, उसके ऊपर दूसरा स्टिकर नोट स्टिक कर लिया। अभी नहीं दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए कि अंदर हमने क्या ड्राइंग्स बनाया, ठीक है। तो अभी हम दूसरा स्टिकर नोट लेंगे। अभी मैं पहले से ही डबल स्टिकर नोट लेके रख रही हूँ ताकि मुझे ऐसे डबल कट नहीं करना पड़े, बस ग्लू लगा के स्टिक करना पड़ेगा। तो यह मैंने ग्लू लगा दिया, स्टिक कर लिया, और वो स्टिकी पार्ट जो है वो उसे कट कर लेते हैं और स्क्वायर शेप दे देते हैं इसे। उसके ऊपर अभी और एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं तीन शेप्स यूज़ कर रही हूँ, एक शेप के दो दो कार्ड्स बनाने हैं। तो दो दो कार्ड्स पे मतलब दो दो क्राफ्ट पेपर्स पे आप दो एक ही शेप दो बार रिपीट कीजिएगा। तो वो दो सर्कल्स बनाया, जैसे कि मैं नेक्स्ट बनाऊँगी स्क्वायर या हार्ट। तो मैंने यहाँ पे तीन शेप्स यूज़ की है, सर्कल, स्क्वायर एंड हार्ट। अभी हम बनाएंगे हार्ट, तो हार्ट के भी दो लेंगे और स्क्वायर बनाएंगे उसके भी दो ले लेंगे। तो एक हार्ट बन गया, अभी दूसरा हार्ट बनाएंगे। तो दो स्टिकी नोट्स का यूज़ कर रही हूँ एक साथ। अगर आप भी स्टिकी नोट्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्राफ्ट पेपर आपको दो दो बार ऐसे स्क्वायर शेप में कट करना पड़ेगा। स्टिकी नोट्स का अगर आप दोनों स्टिकी नोट्स एक साथ उठा लोगे तो बस कुछ नहीं करना है, स्टिकी पार्ट को हटा देना है एंड देन शेप ड्रॉ करना है। तो ये दो हार्ट्स बन के रेडी है ना, अभी हम बनेंगे स्क्वायर। ओके, तभी हम स्क्वायर बनाते हैं। तो सेम दो स्टिकी नोट का यूज़ कर रही हो, ग्लू लगा देंगे फिर से। तो ऐसे ही दूसरा कट कर देंगे एंड स्क्वायर बना लेंगे। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे हर वीडियोज़ को लाइक करो। शॉर्ट मेरी शॉर्ट्स जो भी मैं अपलोड करती हूँ उससे बहुत व्यूज़ आते हैं, लाइक्स भी कम से कम ठीक आते हैं, पर प्लीज़ अब मेरी वीडियोज़ को व्यूज़ एंड लाइक्स नहीं आते। तो प्लीज़ वीडियोज़ को भी व्यूज़ एंड लाइक्स आने दीजिए। एंड अगर आपको कुछ ऐसे चाहिए कि मैं कैसे क्राफ्ट के वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वैसे ट्राई करूँगी कि मेरे से हो पाए। तो ये देखिए सारे शेप्स के कार्ड्स रेडी है, तो इसे बाद में कैसे अरेंज करना है वो मैं बताऊँगी। अभी नेक्स्ट गेम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेवन्थ गेम हम बना रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा गेम होता है। उसके लिए मैं मिनी स्टिकी नोट का यूज़ कर रही हूँ एंड उसे भी ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। आप क्राफ्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा लिया है, उसके ऊपर पेंसिल लिखेंगे डेयर टू डू। अभी ये गेम है डेयर टू डू, मतलब इसमें ट्रूथ एंड डेयर जैसे होता है इसमें बस डेयर हो गए। स्टिकी नोट्स का यूज़ करना है, इसमें भी फोर स्टिकी नोट्स का यूज़ करना है, नो क्राफ्ट पेपर, सिर्फ और सिर्फ स्टिकी नोट यूज़ करना है हमें। तो ज़रा साइड में हो गया था तो थोड़ा सा दूर दूर लगा रही हूँ ताकि पेज में मीन्स अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे फोर स्टिकी नोट्स का यूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने फोर के फोर स्टिकी नोट्स को स्टिक कर लिया है। उसके ऊपर अभी हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 एंड देन 4।
तो इसके हर एक स्टिकी नोट के पीछे हम डैर लिखेंगे। फिर से पेंसिल लिखने जा रही थी, बाद में आ रहा है तो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ। तो फर्स्ट है, ट्राई नॉट टू लाफ टिल द अदर पर्सन मेक्स यू लाफ। हमें तब तक नहीं हंसना है जब तक हमें दूसरा पर्सन हंसाए ना, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट डेर, मतलब कोई भी दूसरा हमें हंसाएगा तो हमें हंसना नहीं है। एंड देन दूसरा, ट्राई टू डू ए कार्टवील, जिसको भी नहीं आता होगा तो बहुत फनी होगा ये करने में, राइट। तो अभी ये थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या होगा। तो थर्ड वाला हम रख रहे हैं, डोंट ब्लिंक योर आईज टिल 30 सेकेंड्स। तो ये भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, अगर आप खेलोगे तो बहुत मज़ा आएगा। एंड अभी नेक्स्ट स्टिकी नोट, फोर्थ स्टिकी नोट पे लिखेंगे हम डू 50 सिटअप्स। एक्चुअली मैंने स्टिकी पार्ट पे थोड़ा लिखा था तो इसलिए दिख नहीं था, तो ये हमने लिख दिया 4 के। ये सारे का सारा डेर कम्प्लीट है, ये कम्प्लीट हो गया है। तो अभी हम 8 गेम स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में तो बहुत मज़ा आने वाला है रियली गाइस। तो ये देखिए, हम कुछ लकी ड्रॉ का मैं ऐसे मीन्स पेन से थोड़े से स्टार्स बना लूँगी, एंड देन हम वहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स का, सेम स्टिकी नोट्स का यूज़ करना है इसमें, नो क्राफ्ट पेपर स्टिकी नोट्स, ताकि हम ऐसे उसे ऊपर करके देख पाए कि हमें कौन सा लकी ड्रॉ लगा है। तो 4 स्टिकी नोट्स होंगे, तो ये फर्स्ट है, एंड देन अभी आएगा सेकेंड, एंड देन नेक्स्ट स्टिकी नोट स्टिक करेंगे। ओके, तो ये स्टिक हो गया, एंड उसके बाद लिखेंगे उसके ऊपर 3। ये ज़रा मैं लाइन से लगा ले रही हूँ उसे, ठीक है। तो अभी हम 4 स्टिकी नोट को स्टिक करेंगे। तो ये रहा 4, तो ये 4 के 4 रेडी है। उसके पीछे में लकी ड्रॉ में हमें क्या मिलने वाला है वो लिख देते हैं। अभी पहले मैं लिख रही हूँ यू वॉन्ट 10 रुपीज़। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आपको लकी ड्रॉ में रखना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लकी ड्रॉ में लिखा है यू वॉन्ट 10 रुपीज़, एंड देखते हैं सेकेंड में हम लिखते हैं यू वॉन्ट 5 रुपीज़। तो 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, ऐसे हमें करना है। अभी थर्ड में हम लिखेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब हमें कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। तो ये हम गेम बना रहे तो हमें पता होगा कौन सी और कौन से नंबर के चिट में क्या लिखा है, पर हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स के साथ खेलने में तो बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड लास्ट में लिखा यू वॉन्ट ए बो क्लिप। ये देखिए बड़ी प्यारी सी क्लिप है, रैबिट वाली है उसमें, तो मीन्स रैबिट वाली है पिंक कलर की, आप कुछ भी रख सकते हो। अभी नेक्स्ट गेम बनाएंगे हम 8th वाला गेम, ओके। तो यहाँ पे भी स्टिकी नोट का यूज़ कर रही हूँ, अलग अलग कलर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने पिंक यूज़ किए थे, अभी मैं येलो कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। तो अच्छे से स्टिक कर लिया है, एंड उसके ऊपर हम लिखेंगे डॉट गेम। ये डॉट गेम भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ये नॉर्मली सब लोग खेलते थे या खेलते हैं, आई डोंट नो, बट बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें हमें बनाने होते हैं बहुत सारे डॉट्स, तो बस स्क्वायर शेप में ना छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स बनाने। वीडियो में पूरा डॉट्स बनाते हुए नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े ही डॉट्स बना के दिखा रही हूँ। बाकी के मैंने वीडियो स्टॉप करके बना लिए थे। पहले मैं ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बनाऊँगी, उसके अंदर फिर मीन्स पेंसिल से थोड़ा सा कलर कर दूँगी, ठीक है। तो कलर ले रही हूँ मैं। ये डॉट गेम में बड़ा मज़ा आता है। डॉट गेम्स में बस आपको डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने सारे डॉट्स बना लिए हैं, ये गेम भी रेडी है। नेक्स्ट गेम देखते हैं। इसमें अलग टाइप के स्टिकी नोट यूज़ किए, मतलब क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकती हूँ। ये जस्ट नेम देने के लिए गेम का, उसके ऊपर लिखा है जस्ट, बाकी कुछ नहीं। देखिए मेक 10, अभी इसमें 10। ओके, सो इसमें हम बनेंगे 10, ये हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट गेम। एक्चुअली सॉरी गाइस, बच्चा ज़रा गड़बड़ हो गया था, मतलब वो वीडियो ज़रा सा रोटेट करने में ज़रा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट। तो अभी हम जो लूडो है उसे हम स्टिक कर रहे हैं पेज पे। ये स्टिक कर लिया पेज पे, राइट। तो ये स्टिक हो गया एक पेज पे। एक्चुअली हम मैं सारे गेम्स को ना ऐसे ऐसे पेज कट करके रखती हूँ। एंड अभी यहाँ पे छोटी सी बैग, छोटी बड़ी आप कोई भी बैग ले सकते हो। मेरे पास बड़ी अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने छोटी यूज़ करी है। उसके अंदर हमने जो ये लूडो के टोकन्स बनाए थे वो रख देंगे, एंड डाइस भी रख देंगे। डाइस ऐसा तो जा नहीं रहा था, पर कैसे तो भी करके मैंने डाला डाइस। ये देखिए जा ही नहीं रहा था डाइस, कैमरे में दिख नहीं रहा है, जा नहीं रहा था इसलिए।
थोड़ा सा टफ था डालना, पर कैसे भी करके डाल दिया एंड ये हो गया। अभी इसे करके हम चेक कर लेंगे। वैसे डबल साइड टेप मेरे पास नहीं था, तो ये देखिए कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा उल्टा जो है उसे फोल्ड करके ऐसे लगा देना है ताकि वो ऐसे स्टिक हो जाए। ये हो गया, ये लूडो वाला रेडी है, जस्ट पेज पे चिपका के बता रहे। ओके देन अभी हम करेंगे एक्सो। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ग्लू लगा रही हूँ। अभी ये ग्लू पे एक्सो का जो हमारा चार्ट है तो हम उसे स्टिक कर लेंगे। तो स्टिक हो चुका है एंड अभी मैंने अपना फ़ोन अच्छे से रोटेट करके सही कर लिया। तो ये रहा पेज एंड उसे हम करेंगे जरा सा कट, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक्सो के जो एक्स एंड ओ जो हमने बनाए थे उसे रखने के लिए हम पॉकेट बना रहे हैं। तो ऐसे एक हाफ पेज का हम पॉकेट बना लेंगे, मैंने जैसे फोल्ड किया वैसे फोल्ड कर लेना है एंड फिर एक पेज पे स्टिक करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया एंड ऐसे पेज पे स्टिक कर लेना है। एंड ये देखिए मैंने इसमें सारे एक्स एंड ओज जो है वो रख दिए है, अच्छे से इसे पैक कर लेंगे। तो ये एक्शन ओ वाला रेडी है, तो थोड़े से एक्शन ओ गिर गए थे इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है स्क्रीन, क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह मैंने सारे स्टिक कर लिया ना, अभी मैं डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा लूडो डाइस एंड टोकन्स, ये लूडो गेम रेडी है एंड रोल द डाइस। तो रोल द डाइस के लिए हम ये लूडो का ही डाइस यूज़ करने वाले हैं। तो ये रोल द डाइस हो गया है एंड उसके बाद ये एक्स एंड ओ जो है वो गेम भी रेडी हो चुका है। उसके बाद मेक 10, तो यहाँ पे हमें नंबर्स को ऐड करके 10 बनाने, जैसे कि 9 + 1 = 10। तो ज़रा कॉइन गिर गया था, तो ये लकी ड्रॉ। तो जैसे कि मैंने चूज़ किया 4th, तो यहाँ पे लिखा है ये वो ने बो क्लिप। तो इसके लिए भी मैंने पॉकेट बना लिया था वैसे। तो ये रहा मुझे मिल गया बो क्लिप का नंबर। तो ये डॉट गेम, तो इसमें आप वेरियस टाइप के डिज़ाइंस बना सकते हो। तो डेयर टू डू, एक चीज उठाना है उसके पीछे डेयर होगा वो हमें करना है। तो ये डेयर टू डू वाला गेम हो गया एंड उसकी बात आता है मेमोरी मैच कैसे खेलना है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखो सपोज ये सारे चिट्स इसे उल्टा कर देना है शफल करके एंड ऐसे मैंने पेज पे तीन तीन करके रखे हैं, तो नीचे 3 और ऊपर 3 ऐसे रख देना है। मुझे पता नहीं किस में क्या है। तो जैसे कि मैंने चूज़ किया ये, तो हार्ट, तो हार्ट को ऐसे रख देना है। दूसरा हार्ट हमें मेमोरी मीन्स फाइंड करना है, तो नहीं मिला ये वाला, तो चलो नेक्स्ट रखते हैं। स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर नहीं मिला, तो मतलब ऐसे आपको खेलना है। तो ये बड़ा मज़ा आएगा मेमोरी मैच गेम में। तो नेक्स्ट है लेट्स सी हु आर यू, तो सेकंड चूज़ किया हमारे सुपरस्टार। तो ऐसे कोई भी चीज़ इस तरह और एक गेम मैं दिखा रही हूँ एंड इस तरह हमारी पूरी जॉइंट गेम बुक जो रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।